आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले पहले हम इस बात का ध्यान देंगे कि इसका वेटेज कितना है। बैंकिंग में और SSC रेलवे, इसमें इसके टॉपिक के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर मैं SSC और रेलवे की बात करूं, SSC और रेलवे की अगर मैं बात करूं तो ये 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, या तो वो 1 मार्क के लिए पूछेगा सिर्फ, या तो पूछेगा तो पूछेगा तो डायरेक्ट 5 मार्क के लिए पूछेगा। तो आप इससे समझ जाओ कि ये कोडिंग और डिकोडिंग कितना मैटर करता है ये चैप्टर, ठीक है। देखो इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 5 मार्क की डायरेक्ट बात करूं तो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस ले लो आप, वो वर्ड्स दिए होंगे, उस वर्ड के अगेंस्ट कोड दिया होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो वर्ड का कोड एग्जैक्टली क्या है। ये होगी 5 मार्क वाले क्वेश्चंस। और 1 मार्क वाले क्वेश्चंस के टाइप क्या होते हैं, आपको पूछेगा पेयर क्या है। सेकेंड आपको ये पूछेगा, आपको एक कोड दिया होगा, उसी पैटर्न पे आपको दूसरा कोड निकालना होगा। बस यही क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में, समझ गए। तो प्रीलिम में, मेंस में, बैंकिंग के लिए सेम। मैं बता देता हूँ, प्रीलिम में 1 मार्क, 5 मार्क यही है, 2 से 3 मार्क यही SSC रेलवे में, मेंस में भी बैंकिंग का 5 मार्क ले आता है, बाकी कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। अब मेंस में ये कोडेड हो जाता है, बैंकिंग की अगर बात कर रहे हो ना आप, तो ये कोडेड हो जाएगा जो मैं आपको सिखाऊंगा। बट SSC रेलवे में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क वाले, ठीक है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? Who is this Oppo A7? Oppo A7, please rename yourself. जो आपका नाम है वो लिखो आप इसमें। Oppo A7। चलिए आप टॉपिक डाल लीजिए कोडिंग और डिकोडिंग का। पहले मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा कैसे करना है सॉल्व, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पहले आप यहाँ पे देख लो, मैं एग्जांपल सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप लोग लिखो मत, पहले यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे सॉल्व करने में। पहले मैं कैसे सॉल्व करता हूँ उस पर ध्यान दो। क्वेश्चंस आएंगे, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज। अभी देखो ये आपको एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज, ये आपको सेंटेंस दिया है। आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, यस। ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज दिया है, इसके अगेंस्ट देखो कोड क्या दिया है, BA RI SH GI। बट एक बात बताओ, आप बता सकते हो क्या ऑलवेज का कोड क्या है एग्जैक्ट? उसमें से नहीं बता सकते। क्रिएट का कोड क्या है एग्जैक्ट? उसमें से नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना? यस सर, नहीं बता सकते। इसी को कोडिंग बोलते हैं, इसी को हमको आइडेंटिफाई करना है। आइडियाज एंड न्यू थॉट, इसके कोड है FA GI MA RI। क्रिएट तो
हो,